तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह रात हो चुकी होती है और मोटू और खलील खाना खाते हैं और दोनों ट्राई करते हैं कि वो दोबारा चोरी करने का ट्राई करेंगे। वो बाइक निकालते हैं और चोरी के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिर मोटू और खलील को वो घर मिल जाता है जहाँ पर वो चोरी कर सकते हैं। दोनों किसी तरीके से उस लड़की से दोस्ती कर लेते हैं और उसके घर के अंदर इंटर हो जाते हैं। मोटू लड़की को बातों में बिजी रखता है और दूसरी तरफ खलील तिजोरी से सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है। घर पहुंचने के बाद दोनों चोरी का जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं। अब क्या होगा वो देखने के लिए आज का एपिसोड कंप्लीट देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मोटू अब क्या करना है यार? मुझे नहीं पता क्या करना है, घर चलें। मोटू मैं सोच रहा हूँ एक और चोरी करते हैं। हाँ हाँ सही है, मजा आएगा। आ जाओ मोटू एक और चोरी करते हैं। लेकिन जाना कहाँ है? अरे चलो तो सही, किसी ना किसी घर की चोरी करते हैं ना, आ जाओ। वैसे भी रात हो गई है तो अभी हम चोरी भी कर सकते हैं। सही है, लेकिन ये तो बताओ हम चोरी करेंगे कहाँ पे? बताता हूँ, रुको तो सही, चलते हैं ना, देखते हैं ना। मुझे एक घर पता है जहाँ पे हम चोरी कर सकते हैं। कौन सा घर? रुको मोटू। खलील बताओ ना कौन से घर में चोरी करने जा रहे हैं? अरे मुझे पता है, एक घर मुझे देखा हुआ है, वहाँ पे चोरी कर सकते हैं, वहाँ से आराम से चोरी हो सकती है मोटू। वाओ, फिर तो तुम पक्के वाले डॉन बन जाओगे। हाँ पक्के वाला डॉन बन जाऊंगा मोटू, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। नामुमकिन है। चलो चोरी करते हैं, मजा आएगा, मुझे भी बहुत सारे पैसे चाहिए। बस पहुंच गए। ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है, यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं। हाँ मोटू, यहाँ पहले भी आ चुके हैं और फाइनली पहुंच गए। कौन से घर में चोरी करेंगे ये तो बताओ। अभी चलो तो सही, तुम्हें दिखाता हूँ मोटू, आज मजा आएगा, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे हमारे पास। ये घर है मोटू, यहाँ पे आओ। नहीं ये तो मोना का घर है। नहीं मोटू, मोना का घर नहीं है। अरे मोना का घर है, सच्ची कह रहा हूँ। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो। क्या है मोटू? ये देखो मोना का घर है ये। अरे तो कोई बात नहीं, इसी के घर के चोरी करेंगे। क्यों? ये तो हमारी दोस्त थी। दोस्त कहाँ थी, इसकी वजह से हम जेल में गए थे मोटू। नहीं, बाद में हमारी दोस्ती हो गई थी। अरे तुम्हारी दोस्ती हुई है, मेरी नहीं हुई, इसकी वजह से मैं जेल में गया था, तो आज मैंने चोरी करनी है। और मोना भी कहीं नजर नहीं आ रही, वो घर में नहीं है, हम आराम से चोरी कर सकते हैं। नहीं खलील प्लीज, नहीं, उसको पता चलेगा तो उसने नाराज हो जाना है। अरे नहीं पता चलेगा, वो ये घर में नहीं है मोटू, आ जाओ घर में देखते हैं, वो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर चोरी करेंगे। उसको पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा, चुप हो जाओ, घर में वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। मोटू तुम दूसरी जगह देखो, मैं यहाँ पे देखता हूँ। सही है, देखता हूँ, यहाँ पे भी नहीं है खलील, यहाँ पे मोना नहीं है। हाँ यहाँ कहीं पे भी मोना नहीं है मोटू, हम आराम से चोरी कर सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो? नहीं यार। मोना कहाँ गई? अरे वो घर में नहीं है यार, मैं ऊपर देखता हूँ, ऊपर तो नहीं है। ओके यहाँ पे नहीं है। ओह गॉड, वो सो रही है, वो मोना सो रही है यार। हम अभी चोरी कर सकते हैं अगर तिजोरी खुला हो तो। ये तिजोरी खोल के देखता हूँ, ये तो बंद है यार, नहीं चोरी कर सकता अभी मैं, इसको बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। ओह गॉड, बॉम्ब से उड़ाया तो मोना जाग जाएगी, उसने हमें पकड़ लेना, हम वापस जेल में चले जाएंगे। मोटू सुनो। क्या बात है खलील? एक मिनट, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, प्लान बनाते हैं। ऊपर मोना सो रही है मोटू, हमें तिजोरी को बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। नहीं खलील नहीं, मोना के घर में चोरी नहीं करते ना, वो हमारी दोस्त है यार। अरे दोस्त नहीं है, उसने हमें लास्ट टाइम जेल में भेजा था मोटू, प्लान ये है कि सुनो तो सही, यहाँ पे देखो, तुम्हें घंटी बजा के यहाँ पे भागना है, सही है? नहीं खलील नहीं सुनो मोटू, घंटी बजा के
यहाँ पे भागना है और मैं जल्दी चोरी करके निकल जाएंगे, मोना को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी वो अमीर है, रिच है, उसके पास बहुत सारा पैसा, उसको थोड़े पैसे से फर्क नहीं पड़ेगा। सही है मैं छुप रहा हूँ, तुम घंटी बजाओ और मोना जैसे निकलने वाली हो तो तुम्हें भागना है, सही है? यहाँ पे ना? हाँ यहाँ पे जल्दी वापस आओ, घंटी बजाओ, मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, वो जैसे निकल के बाहर चली जाएगी तो मैं चोरी कर लूंगा। दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ है, पता नहीं मोना दरवाजा खुला क्यों रखती है। चलो घंटी बजाता हूँ। जल्दी आओ मोना, थोड़े से पैसे चोरी करके हम निकल जाएंगे। जल्दी करो। इतनी रात को कौन आया हुआ है? बस करो, मैं आ रही हूँ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, बस करो। पता नहीं इतनी रात को कौन आया हुआ है, कौन है? हेलो, जवाब दो, कौन है? पता नहीं, अरे ये तो मोटू है। मोटू रुको, मैं आती हूँ। सुनो मोटू, मैं सो रही थी इसलिए दरवाजा नहीं खोला। सुनो मोटू, मैं हूँ, मोना। चलो अब मेरी बारी, जल्दी से मुझे तिजोरी लूटनी पड़ेगी, जल्दी, प्लीज जल्दी, वो जल्दी ना आ जाए, बस मोना ना आ जाए। ओके, तिजोरी यहाँ पे, अब ये ऐसे तो नहीं खुलेगा, इसके ऊपर बॉम्ब रखना पड़ेगा। बॉम्ब मैं ले लेता हूँ बैग से, और ये बॉम्ब रखना है मुझे यहाँ पे। ओके, ये रखा यहाँ पे। ओके, अब मुझे बटन प्रेस करना है। बात सारे पैसे चोरी करूंगा, सारे, एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा, आखिर मैं चोर हूं, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, हमारी चोरी हो गई, अभी जल्दी निकलना है, मोटू को लेके निकलना है, जल्दी निकलते हैं। ओके, बाइक कहाँ है? कहाँ भागू, वो पीछे आ रही है। वो नहीं है, छुप जाता हूँ, वहाँ पे, जल्दी छुप जाता हूँ, और यहाँ पे छुप जाता हूँ। ओ मोटू रुको, मैं सो रही थी इसलिए दरवाजा नहीं खोला। मैं गिर गई, बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मोटू, मुझे बचाओ, मैं नीचे गिर गई हूँ, बचाओ मोटू, मुझे बचाओ। मैं मोटू नहीं हूँ, मैं किसी को बुलाता हूँ, मैं मोटू नहीं हूँ। मोटू मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है, निकालो मुझे यहाँ से। हाँ मैं किसी को भेजता हूँ, मैं मोटू नहीं हूँ, सुना तुमने, मैं मोटू नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर। अब क्या करूँ? मुझे पता है तुम मोटू हो, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज निकालो मुझे, जल्दी निकालो प्लीज। अब क्या करूँ, मैं भाग जाता हूँ, पुलिस को ना बुला ले, मैं निकलता हूँ, कोई पुलिस को ना बुला ले, जल्दी निकलो जल्दी, खलील जल्दी, कहीं मैं कहाँ जाऊँ? ओके, निकलता हूँ जल्दी, हाँ जल्दी खलील जल्दी। चोरी हो गई, जल्दी मोटू को लेके आते हैं और जल्दी यहाँ से निकलते हैं। आज दो चोरियाँ हो गई यार, आज दो कर ली, अब तो पक्का डॉन बनेंगे, पहले एक चोरी नहीं हो रही थी, अब दो हो गई, बहुत सारा पैसा हो गया मेरे पास, बहुत सारा पैसा आ गया, अब तो मेरे मजे होंगे यार। ठीक है, मोटू कहाँ गए? खलील सुनो, वो मोना नीचे गिर गई, हमें उसको बचाना है। मोटू बैठो जल्दी यार, बैठो, क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो, कोई आ जाएगा। वो मोना नीचे गिर गई, उसको बचाओ। अभी बैठो, पुलिस आ जाएगी, सुनो। Oh, no. मैं मोना को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे मोटू सुनो, पुलिस आने वाली है। नहीं, चलो जल्दी, पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया तो। हाँ चलो जल्दी बाइक में बैठो, पुलिस आने वाली है जल्दी, किसी ने पुलिस को कॉल कर ली, जल्दी बैठो। तुम सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। और मोना का क्या होगा? अरे उसको कोई और बचाने आ जाएगा, पुलिस उसको बचा लेगी, टेंशन मत लो, अभी निकलते यहाँ से। हमने बहुत बुरा किया यार, अपने दोस्त के घर में चोरी की। अरे वो दोस्त नहीं थी मोटू, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसने हमें जेल भेज दिया था, भूल गए? याद है मुझे, वो ज्यादा खो चुकी थी, उसको पता नहीं था। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे लिए, उसके पास वापस पैसे आ जाएंगे यार।
मोना को तो पता भी चल गया। उसको नहीं पता चला होगा, उसको तुम कह देना कि तुम नहीं थे। हाँ मैं ये बोलूंगा। हे ये किसकी गाड़ी है? अरे ये यार, ये यहाँ कैंप पे और कौन आया हुआ है? मुझे नहीं पता कौन आया हुआ है। जल्दी उनकी गाड़ी भी चोरी करते हैं, आ जाओ उनकी गाड़ी चोरी करके निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। कहाँ जा रहे हो? वो अंदर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं चलना चाहिए मोटू। लेकिन तुम वहाँ पे मत जाओ। हाँ वहाँ पे नहीं जाते, गाड़ी चोरी करते हैं। सही है, आ जाओ गाड़ी चोरी करते हैं। हाँ चलो। मेरे लिए रुको, मैं भी आता हूँ। गाड़ी चल ही नहीं रही। चलाओ तो सही, चलेगी। नहीं चल रही। अब क्या करें? अभी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी यार, और कोई रास्ता नहीं है। हम अपनी बाइक को छुपा देते हैं, कहीं हमारी बाइक ना चोरी हो जाए। हाँ सही है, अब घर चलना है। हाँ हम घर जा रहे हैं, आ जाओ। और मोना? मोना को छोड़ो यार, अभी घर चलना है, आ जाओ। तुम चलाओ। अरे यार मोटू चला लो ना। नहीं, तुम चलाओ, मुझसे नहीं चलेगी। अच्छा बैठो, हमें इस बाइक को छुपाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, वरना ये चोरी हो जाएगी। पर इसको छुपाएंगे कहाँ पे? आगे तो कुछ भी नहीं है। हमें बोट से जाना अपने घर, और यार ये बाइक को छुपाएंगे कहाँ पे, ये भी तो बात है। अपनी सेम जगह पे छुपा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ ट्री के पीछे छुपा देते हैं, आई होप किसी को पता ना चले, वरना ये बाइक हमारी ले जाएंगे। यहाँ पे छुपा देते हैं, वो किसी को नजर भी नहीं आएगा। सही है। अब चलो अपने घर चलते हैं। और वो मोना का क्या होगा पता नहीं, वो बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। अरे वो ठीक होगी मोटू, उसको पुलिस बचा लेगी, टेंशन मत लो। तुम्हें पक्का यकीन है ना पुलिस आ गई थी? हाँ वो पुलिस आने वाली थी, अगर हम नहीं निकलते तो हम मर जाते, हमें गोलियां मार देती पुलिस। इसलिए मैं भागा था, वरना मैं मोना को छोड़ के कहीं नहीं जाता। मोटू वो हमारी दोस्त नहीं है मोटू, उस वो लास्ट टाइम क्या हुआ एक्सीडेंट की वजह से ना, वो याददाश्त खो गई थी, उसकी वजह से हम जेल चले गए थे, याद है ना? मुझे याद है। अब क्या होगा? अरे क्या है, अभी हमने दो चोरियां की, अब एंजॉय करना, ऐश करना है यार, अपने घर में चलते हैं, पार्टी करते हैं। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, पार्टी करेंगे हम, खाना खाएंगे, मजा आएगा। यार मुझे लगता है हमें मोना की तरफ जाना चाहिए, उसका पता करना चाहिए। तुम क्यों चाहते हो जेल में जाना चाहते हो, वापस जेल में जाना चाहते हो? नहीं, मैं जेल में नहीं जाना चाहता। फिर हमें वापस नहीं जाना, वरना हम जेल में चले जाएंगे। अभी चलते हैं घर और पार्टी करते हैं। खैर पार्टी को छोड़ दो यार, नहीं करते पार्टी, मैं थक गया हूँ, मुझे अपने कमरे में जाना है। अरे नीचे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, आ जाओ डांस करेंगे, मजा आएगा। छोड़ दो ना, खैर पार्टी नहीं करते। अरे मोटू इतने सारे पैसे हो गए मेरे पास, इतने सारे पैसे हो गए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी? हाँ तुम भी कुछ भी कर सकते हो, हम दोनों के पैसे हैं ये सारे, ये देखो मोटू, ये देखो। नहीं छोड़ दो, खैर है हम पार्टी नहीं करते। मोटू देखो इतने सारे पैसे हैं यार, इतने सारे पैसे हैं। मोना बेचारी का पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, वो बेचारी अभी तक फंसी होगी। नहीं फंसी मोटू, पैसे देखो, हम पार्टी करेंगे ना, उसको बचा लिया होगा किसी ना किसी ने। हम वापस चलते हैं, उसको बचाते हैं खलील प्लीज। अरे छोड़ो, पार्टी, ये देखो मोटू, ये देखो, ये करके दिखाओ मोटू, करके दिखाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, हम मोना को बचाते हैं। मोटू इन पैसों से मैं जहाज लूंगा, और जहाज से ऊपर जाऊंगा, ऊपर से फ्लाई करूंगा, फ्लाई से हम जाएंगे बादलों में, और बादलों से मैं बादलों से बातें करूंगा। नहीं रहने दो खलील, इतने सारे पैसे का वैसे भी कोई काम नहीं है, हम मोना के पास वापस चलते हैं। चुप हो जाओ मोटू। मोटू क्या सोच रहे हो? मैं मोना के बारे में सोच रहा हूँ। अरे यार अभी तक तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। फिर क्या करूँ मैं? अरे पैसों का सोचो ना, इतने सारे पैसे यार, पैसों का सोचो, ये देखो, तुम सोचो तुम क्या कुछ कर सकते हो यार, तुम्हारी जो भी विषय है वो सारी पूरी हो जाएंगी, तुम्हें जो कुछ चाहिए ना सब कुछ मिल जाएगा, आईफोन 15 प्रो मैक्स भी तुम्हें दिला दूंगा, बस। नहीं चाहिए मुझे, इतने पैसों का क्या करना है, दोस्ती भी कोई चीज होती है, मोना के साथ मेरी दोस्ती थी और तुमने उसका ही घर लूट लिया, नहीं करना था। अभी तुम क्यों उठ गए और कहाँ जा रहे हो?
मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी बात। अरे मोटू रुको, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो, दरवाजा खोलो। ओके ओके दरवाजा खोलता हूँ, जाके तुम सो जाओ यार, आराम करो, तुम्हारी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मैं जा रहा हूँ, बाय खलील। अरे यार मोटू को क्या हो गया, हम वैसे भी चोर हैं यार, चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, अब मैंने चोरी क्या कर ली, अब मोटू नाराज हुआ पड़ा है, वो देखो जा रहा है। मोना बेचारी के साथ बहुत बुरा किया हमने, बहुत ज्यादा बुरा किया उसको, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी पिछले सीजन में, मेरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन हमने उसके घर में चोरी करके उसको नाराज कर दिया। मुझे मुझे उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, मुझे उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। मैं अभी सो जाता हूँ, सुबह उसके पैसे वापस कर दूंगा। नहीं करना था यार, इतनी अच्छी दोस्त थी मेरी, नहीं करना था उसके घर में चोरी, नहीं करना था। माना कि हम चोर हैं, लेकिन चोर दोस्तों के घर में चोरी थोड़ी ना करता है। मोना तो मेरी दोस्त थी। छोड़ो यार मोटू तो पागल हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ बना लेता हूँ यार। पता नहीं क्या अजीब हो गया मोटू, पहले उसको चोरी करनी थी, बहुत बड़ा चोर बनना था, अब उसको चोरी से रोना आ रहा है। मोना ये वही लड़की है जिसकी वजह से हम पिछले सीजन में जेल में गए थे। अरे यार ये आग लग गई, नहीं, मैंने 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 कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई कर दिया। अरे यार ये क्या हो गया, ओ माई गॉड, मेरा पूरा खाना जल गया, पूरा खाना जल गया, अब क्या करूं, आग को बुझाना है मुझे, कैसे बुझाऊं, इसके करीब ही नहीं जा सकता है। टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होगा, टेम्परेचर कम कर देता हूं मैं, जल्दी 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 घर में आग ना लग जाए। ओके ओके ओके, हाँ खाना तो जल गया, अब खाना तो किसी काम का नहीं है, खा भी नहीं सकता मैं, खैर अब क्या करें यार, किस्मत ही खराब है। एक बार, बस एक बार खलील सो जाए, वो जैसे ही सो रहा होगा ना, मैं तिजोरी से पैसे लूट के मोना को वापस कर दूंगा। खलील कह रहा था उसने थोड़े से पैसे लिए, मैं भी थोड़े से पैसे लूंगा और मोना को पैसे वापस कर दूंगा। मोना के घर की चोरी नहीं करनी थी हमें, मैं मोना को पैसे वापस करके सॉरी बोल दूंगा, वो मुझे माफ़ कर देगी, मैं उसको सच बता दूंगा कि मैं चोर हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस अब खलील का वेट करना है, वो खलील सोने आएगा तो हम चोरी करके भाग जाएंगे। भूख की वजह से पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं यार, कुछ खाना पड़ेगा, फ्रिज में कल का कुछ ना कुछ पड़ा होगा यार, वो खा लेता हूँ, आज ऐसे ही गुजारा कर लेता हूँ। मोटू की वजह से मेरा मूड भी खराब हो गया, इतने सारे पैसे लूटे, इतना सारा पैसा आया आज हमारे पास, फिर भी देखो फिर भी मैं सैड हूँ। ओ गॉड, चलो फ्रिज से कुछ ले लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, फ्रिज से कुछ खा लेता हूँ, रात भी हो गई है और सोना भी है मुझे, बहुत रात हो गई है, कल तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इन पैसों से हम ऐश करेंगे, इन्जॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। ठीक है इसको बंद करो। ओके तो अभी मैं मुझे देखना है फ्रिज में कुछ पता मिल जाए, कुछ मिल जाए यार, यहाँ पे हाथ धो लेता हूँ अच्छे से पहले, आज बहुत ज़्यादा चोरी की है, आज दो जगह चोरी कर ली, अब मुझे फ्रिज में चेक करना है कि कुछ मिल जाए, रात का कुछ पड़ा हो, प्लीज़ कुछ पड़ा हो। क्या पड़ा है यार, कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, मिल्क पड़ा हुआ है, चॉकलेट पड़ी हुई है, आइसक्रीम पड़ी है, पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, ये पिज़्ज़ा का एक स्लाइस पड़ा हुआ है, ये खा लेता हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ओके यम्मी यम्मी यार, ठंडा तो हो गया लेकिन, ठंडा है लेकिन कोई बात नहीं, हाँ कुछ ना कुछ तो खा लिया पेट में, वरना पेट में चूहे दौड़ रहे। मोटू बेचारे ने भी कुछ नहीं खाया, उसको बुला लेता हूँ, क्या पता वो कुछ खा ले यार। चलो मोटू नीचे आ जाओ, कुछ खा लो, कुछ पड़ा हुआ है, आ जाओ। अंधेरा बहुत हो गया है, लाइट भी बंद की हुई है। मोटू सो गए, मोटू का बच्चा सो गया यार, अरे बेचारा ऐसे भूखा सो गया यार, इसको जगाऊँ नहीं जगाता यार, वैसे भी बेचारा रो रहा था, खैर सो जाते हैं, सुबह उठ के खुद ही कुछ ना कुछ बना के खा जाएगा। चलो दोस्तों गुड नाइट, गुड नाइट, नींद आ रही है।
खलील सो रहा है, खलील सो रहा है, जल्दी से उसके तिजोरी से ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ ले लेता हूँ, पैसे ले लेता हूँ। हैं, तिजोरी खुली नहीं रही, उसने तिजोरी लॉक की, लॉक कर दी, उसके अंदर सारे पैसे पड़े हुए हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए, अब मैं ये इसे पैसे कैसे निकालूं? अगर मैं बम फोड़ूंगा तो उसको पता चल जाएगा। मैं क्या करूं, मैं बम फोड़ के तिजोरी खोल के उसके अंदर से थोड़े से पैसे लेके भाग जाता हूं, ये करता हूं मैं। खुल जा, खुल जा, खुल जा, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा तिजोरी, खुल जा जल्दी, खलील जाग जाएगा, जल्दी खुल जा, खुल जा प्लीज, खुल जा। कोई कोड भी नहीं लग रहा, खलील के तिजोरी का कोड भी मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या है यार, इसके ऊपर बॉम्ब लगाना पड़ेगा। अब ये बॉम्ब यहाँ पे रखा और अभी बटन दबाना है, पैसे उठाने और भागना है, इससे पहले खलील जागे भागना है। मुझे फूट गया। कौन है, कौन है, ओ कौन है, कौन है, ओ मोटू ये क्या करो? जल्दी जल्दी पैसे उठा लिए, थोड़े से पैसे उठाए। मोटू क्या कर रहे हो? मैंने बस थोड़े से पैसे उठाए। रुको, कहाँ भाग रहे हो, अपने दोस्त के घर में चोरी करते हो, रुको मोटू। बस थोड़े से उठाए खलील, थोड़े से। अरे पैसे चाहिए मुझसे मांग लेते, चोरी क्यों की? सॉरी सॉरी, मैं मोना के पास जा रहा हूँ, मुझे मोना को पैसे वापस करने खलील, आई एम सॉरी। मोटू नहीं, रुको रुको यार, मुझसे पूछ लेते, रुको साथ में चलते। अरे यार मोटू रुको, ये गलत बात है, तुमने मुझे धोखा दे दिया, अपने दोस्त को धोखा दिया तुमने यार। मोटू रुक जाओ प्लीज। आई एम सॉरी खलील, जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ वैसे मोना मेरी दोस्त है, हमने उसके घर में चोरी की, मुझे पैसे वापस करने हैं उसको, मुझे माफ कर दो खलील, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मुझे माफ कर दो खलील। खलील तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे चोरी करना पड़ रहा है, मैंने बहुत बुरा किया, पहले बुरा किया मोना के घर में चोरी करके, अब बुरा किया खलील को धोखा देके। दोस्तों में धोखा देना नहीं चाहता था, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था, मैं क्या करता। जल्दी मुझे बाइक लेनी है और मोना का पता करना है, पता नहीं वो कैसी होगी, पता नहीं कैसी होगी, वो रो रही होगी। मुझे मोना को पैसे वापस करने हैं, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वापस चला जाऊँगा, उससे सॉरी बोलूँगा, अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया ना मैं चला जाऊँगा, और अगर उसने पुलिस के हवाले करना कर दे मुझे, मेरी गलती हो गई ना, मुझे पुलिस के हवाले कर दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने गलती की है ना, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा, सॉरी बोलूँगा। मैं जा रहा हूँ मोना के पास और खलील से बाद में सॉरी बोल दूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ। इसमें पैसे कुछ मेरे भी हैं ना, मैं अपने हिस्से के पैसे लेके जा रहा हूँ मोना को वापस करने। इतनी मेहनत से चोरी की थी यार, सारे पैसे ले गया मोटू, सारे पैसे ले गया। जल्दी चेक करता हूँ कुछ बचा होगा कि नहीं, सारे पैसे ले गया, इतनी मेहनत से दोनों ने चोरी की, मोटू ने धोखा दिया मुझे, मेरे सारे पैसे ले गया यार। हैं, सारे नहीं लेके गया, थोड़े से लेके गया, हमारे सारे पैसे तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओह गॉड, मोटू ने बस थोड़े से पैसे लिए हैं बस। ओहो, मुझसे मांग लेता मैं दे देता उसको, ऐसे ही धोखा क्यों दिया उसने मुझे, धोखा नहीं देना चाहिए था मुझे। बस बस मोना के घर पहुंचने वाले, मैं उसको बोलूंगा, आई एम सॉरी मोना, मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की गलती से बाद में मुझे पता चला ये तुम्हारा घर है, ऐसे मैं सॉरी बोल दूंगा, वो मुझे माफ कर देगी और मैं उसके सारे पैसे वापस कर दूंगा, पक्का वापस कर दूंगा। ओके, हमारा सेफ भी ठीक हो गया, मैंने लेज़र बंद कर दिया सेफ का, अब मैं इस सेफ को बंद कर देता हूँ ताकि कोई और चोरी ना कर ले। ठीक है, सेफ रेडी हो गया हमारा, पहले जैसा हो गया, थोड़े पैसे चले गए, कोई बात नहीं, अब तो मोटू का वेट करना पड़ेगा, जब उसको भूख लगेगी ना खुद घर वापस आएगा, मैं उससे पूछूंगा उसने मुझे धोखा क्यों दिया।
ये क्या बात हुई यार, थोड़े पैसे चाहिए थे, मुझसे मांग लेता। कोई बात नहीं, हाथ धो लेता हूँ जल्दी से। हम वेट करेंगे मोटू का, हम बाहर नहीं जाएंगे, उसको लेने भी नहीं जाऊँगा। नाराज मैं हूँ तो वो आएगा मुझे मनाने। धोखा उसने दिया, मैंने नहीं दिया, तो वो खुद ही मुझे मनाने आएगा, सॉरी बोलेगा, तभी मैं माफ़ करूँगा, वरना उसका घर में आना बंद कर दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया। कैसे धोखा? अपने दोस्तों को कोई धोखा देता है? साथ में हमने चोरियाँ किया, उसने मुझे धोखा दिया। मैं यहीं पे वेट करता हूँ, मोटू आएगा, सॉरी बोलेगा, देखना। जब सॉरी बोलेगा ना तो मैं माफ़ करूँगा, वरना मैं माफ़ नहीं करूँगा उसको। हाँ, ये क्या बात हुई? हम चोर हैं, चोर का काम होता है चोरी करना। मोना फ्रेंड है, मोना फ्रेंड है, मोना फ्रेंड। ये मोना तो वही है ना जिसने सीजन 1 में हमें जेल में भेजा था। जेल में हम इस मोना की वजह से कितने दिन जेल में थे। उसके लिए मोटू ने अपने जिगरी दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड खलील को धोखा दिया है। ये तो बहुत गलत किया मोटू ने। पहुंच गया मोना के घर में, पहुंच गया। हाँ, अब बाइक का उसको पता ना चले, आराम से उसको पता ना चले। पता नहीं वो क्या कर रही है, वो ठीक लग रही है, मुझे तो ठीक लग रही है वो। अरे वो रो रही है। अरे बेचारी रो रही है। मोटू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे सारे पैसे ले गया। मैंने तो मोटू को दोस्त माना था, मोटू ने मुझे धोखा दिया, मेरे पैसे चोरी कर लिए और मुझे वहां छोड़ दिया मरने के लिए। मेरे साथ बहुत बुरा किया मोटू ने। मैंने इतने सालों अपने सेविंग की कि मैं न्यू गाड़ी लूंगी, वो सारे पैसे लेके चला गया, सारे पैसे। मेरे पास अब पैसे भी नहीं है, मैं क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे पैसे ले गया। मैं मोटू को कभी माफ नहीं करूंगी, उसने मुझे धोखा दिया। मोटू मेरा दोस्त नहीं है, मोटू मेरा दुश्मन है। खलील ने झूठ बोला था, खलील ने मोना के सारे पैसे चोरी कर लिए और मुझे कहता थोड़े से पैसे चोरी किए। बिचारी ने इतनी सेविंग की थी, अपने लिए गाड़ी लेनी थी उसको, और खलील ने सारे पैसे चोरी कर लिए। मैं मोना को थैंक यू कैसे बोलूं, सॉरी कैसे बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, सॉरी बोलूं, थैंक यू बोलूं, वेलकम बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मोना मुझे माफ तो करेगी ना, पता नहीं माफ करेगी कि नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं, वो तो मुझसे नफरत करती है, अब तो कभी मेरी दोस्त नहीं बनेगी, मोना तो मुझसे नफरत करती है। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने खलील को भी धोखा दिया और मोना को भी धोखा दिया। सुबह से शाम तक हो गई है, मोटू अभी तक नहीं आया। मोटू आ जाओ यार, बस सॉरी बोलो, मैं माफ़ कर दूंगा। एक सॉरी बोलने में क्या होता है, माफ़ कर दूंगा। मोटू आ जाओ यार, जितने पैसे चाहिए ले लो, सारे पैसे ले लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे बस दोस्त चाहिए, मेरा दोस्त मोटू चाहिए। मोटू आ जाओ बस। ये गलत बात है यार, तुमने मुझे धोखा दिया, इतने सालों की दोस्ती थी हमारी, तुमने एक लड़की के लिए मुझे धोखा दे दिया। बहुत बुरा किया मोटू तुमने, बहुत बुरा किया, लेकिन आई मिस यू मोटू। तो ये था एपिसोड नंबर 3, और कमेंट्स करके बताओ कि किसने किसको धोखा दिया, मोटू अपनी जगह पे सही है या खलील अपनी जगह पे सही है, और किसको क्या करना चाहिए, किसको सॉरी बोलना चाहिए, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों, आज का शॉर्ट जाता इन तीनों को। अगर तुम्हें भी शॉर्ट चाहिए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि इसका एपिसोड 4 जल्दी आ जाए। और कमेंट्स करके बताओ कि किसकी गलती थी और किसको सॉरी बोलना चाहिए और किसकी क्या गलती थी, ये भी कमेंट्स करो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।